रुक जाना नहीं तो कहीं हार के। पता है पॉजिटिव थॉट्स ऐसे लगाने का फ़ायदा क्या है और रोज चेंज करने का भी, कि इससे क्या होता है, आप अगर चेंज करेंगे रोज़ कोई भी पॉजिटिव थॉट्स तो उससे क्या होगा, आपको 8-10 थॉट्स तो पढ़नी पड़ेंगी पॉजिटिव जब आप गूगल पे सर्च करेंगे। तो उससे क्या होता है कि आप इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें पढ़ते हैं तो कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी लाइफ से कई बार रिलेट कर लेते हैं और फिर वो हमें जब हम पढ़ते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी देती है। इसीलिए इस तरीके की पॉजिटिविटी वाली कोट्स हमेशा अपने घर में लगाएं, चेंज करते रहें तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस बहाने कम से कम जब आप चेंज करेंगे तो आप बार बार फिर 8-10 कोट्स तो कम से कम पढ़ेंगे ना चेंज करने के लिए। सही कहा ना? ये मेरा मिक्सर ग्राइंडर है ना, इसको मेरे पास ये क्रोशे वाला एक कपड़ा पड़ा हुआ था और इसको मैंने ऐसे कवर कर दिया। अच्छा लग रहा है यहाँ पे ऐसे, अब इस पर धूल मिट्टी भी नहीं आएगी और देखने में भी अच्छा लग रहा है। ये मैंने भगवान जी का आसन धोया था और मंदिर में अब दूसरा वाला लगा दिया, चेंज कर दिया और इसको अब मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी संभाल के। बदलती रहती हूँ मैं हर 15 दिन में ऐसे ही, ऐसे ये चुनरी भी है, इसको भी वॉश किया था। ये बास्केट है मेरे पास मंदिर वाली, तो इसके अंदर मैं रख देती हूँ सब कुछ। ये जो मैंने कॉर्नर बनाया था ये वाली शेल्फ, तो ये साथ में मंदिर है, मंदिर के साथ में इसको बनाया हुआ है और इसके अंदर मैं मंदिर वाला ही सामान यहाँ रखती हूँ। तो ये बास्केट के अंदर ये सब भी कुछ है और यहाँ पर ये एक और बास्केट है जिसमें मैं जो पूजा वाला कभी मंदिर जाना होता है ना तो इसको कवर करके लेके जाती हूँ, प्रसाद वगैरह कुछ लेकर जाती हूँ। तो और ये आसन है जिसपे मैं बैठती हूँ और ये चौकी है जिसपे मैं दिया रखती हूँ। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ऐसे बड़ा बनवाया था, लेकिन एक गलती हो गई, एक शेल्फ मुझे यहाँ पर भी बनवानी चाहिए थी ताकि ऊपर जो स्पेस है ना ये वाला, इसको भी फिर मैं यूज़ कर लेती। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, क्योंकि आप कई बार मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं आप कैसे हो। मैं अच्छी हूँ, तविशी भी अच्छी है, लेकिन हाँ विवेक की तबीयत ठीक नहीं है। कल तक बिल्कुल सब कुछ ठीक था, कल शाम तक, और उसके बाद विवेक की आंख में अच्छा खासा घाव हो गया है। वो तो मैं विवेक ही बताएंगे कि क्या हुआ। अभी तो बज रहे हैं 4 और जब विवेक उठेंगे ना 6 बजे, अभी तो उन्होंने दवाई ले रखी है और वो सो रहे हैं, तो मैं उनसे ही आपकी बात करा दूंगी और देखो कैसे होता है, पता नहीं चलता मतलब एकदम से क्या हो जाए। और कल तक भी रात तक जब उनको ये सब हुआ तो रात तक भी हम सोच रहे थे सब नॉर्मल होगा, लेकिन सुबह पता चला है कि कितनी बड़ी दिक्कत है। अभी तो उन्होंने दवाई वगैरह ली है और शाम को देखेंगे, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में हम लोग डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे विवेक को लेकर। और हो जाता है कभी कभी ऐसे एकदम से। ये ना यहाँ पे तार छोटा हो रखा है, ये देखो मैंने ना ये यहाँ से इसको यहाँ से खींच के यूं लेकर आई हुई हूँ, इसीलिए मैं सोचूं कि मुझे आयरन करने में इतनी दिक्कत कैसे हो रही है, सारा लिपटा हुआ है ये। अभी इसे ठीक करूंगी। आम खाए जा रहे हैं, आम का लुत्फ उठाया जा रहा है। कॉर्नफ्लेक्स वगैरह तो लेगी नहीं, बस फिर तू आम खा लिया तूने, सही है। शाम हो गई, 6 बज रहे हैं, चाय बना ली।
कल हम लोग वॉक पे गए थे ना, तो जब इन्होंने मुझे बताया ना कि मेरी आंख में कुछ कीड़ा वगैरह घुस गया है, तो मुझे लगा ये ऐसे ही बोल रहे हैं। और मुझे लगा छोटा मोटा सा होगा, क्योंकि कल परसों भी हम वॉक पे गए थे तो मेरी आंख में तो बहुत छोटा सा कीड़ा गया था और वो साथ के साथ निकल गया था, तो मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। अब ये खुद बताएंगे कि क्या हुआ था। शाम को जब कीड़ा घुस गया था मैंने 5-10 मिनट ट्राई किया, निकल जाएगा लेकिन नहीं निकला। फिर दवाई वगैरह डाली, फिर भी नहीं निकला। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने जब अपना निकलेगा फिर 1 घंटे बाद निकला, तो इतना मोटा कीड़ा था, बहुत बड़ा कीड़ा था। मतलब जितना लेडी बर्ड होती है ना, उतना बड़ा कीड़ा इनकी आंख में था। और वो बहुत देर तक रहा, कम से कम 45 मिनट्स तक। इन्होंने पानी से भी धोया और उसके बाद भी बहुत, हाँ आई ड्रॉप भी डाली, और उसके बाद भी इन्हें लग रहा था कि कुछ चल रहा है ये बोल रहे थे। मैंने भी देखा लेकिन मुझे नजर नहीं आया, मुझे लगा निकल गया होगा, इनको ऐसे ही फील हो रहा है और हम इसे ऐसे ही छोटी सी बात समझते रहे। इनकी अब ये एक आंख इतनी रेड हो रही है बहुत ज्यादा, और सुबह बोल रहे थे ना चिपक रही थी, और सुबह उठे तो ना तो एकदम चिपक गई, जैसे कंजंक्टिवाइटिस होता है, बिल्कुल वैसे हो गया। और जबकि गए एकदम स्वस्थ थे, कुछ भी कोई वो नहीं, और एकदम से जाते ही ऐसा हो गया। मैं आपको पास से दिखाऊंगी कैसे हो गई है इनकी। यार अगर ये ठीक हुआ तो कल फिर चलेंगे डॉक्टर के पास। मैं आई ड्रॉप तो ले आया था, फिर देखते हैं, साफ भी कर रहा हूँ बार बार ठंडे पानी से, साफ भी कर रहे हैं। चाय लेनी थोड़ी सी, टेस्ट करना है। नहीं आम खाया तूने तो अभी? पैनकेक्स खा लिए बाद में। कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है। पास से एक बार दिखाती हूँ आपको, देखो मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी कि अजीब लगेगा, लेकिन इनकी आँख में देखो एक कितनी बड़ी और एक छोटी हो गई है आँख, कितनी रेड ये देखो कितनी रेड हो गई है। दाल बना रही हूँ आज भी मैं, और लेकिन उसमें ना कच्चा आम डालूंगी। आप भी सोचेंगे ना कि काफी दिनों से कच्चे आम के पीछे पड़ी हुई है, पर क्या करूँ, ये पड़ा हुआ है ना, इसको यूज तो करना है ना, फिर ये सूख जाएगा। तो ये एक छोटा सा, मतलब मैंने कच्चा आम जो था वो ऐसे करके काट लिया छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी। दिख रहा है ना, ये डाल दिया मैंने, और ये है दाल अरहर की और साथ में मसूर की दाल। इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था आधे घंटे पहले, ये इसमें डाल दूंगी, और धो भी लिया था अच्छे से। अच्छी लगती है ये दाल भी, मतलब इसमें कच्चे आम का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बनाकर देखिएगा अगर कभी नहीं बनाई। और बस बॉईल करने के लिए भी रख दे, मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। पानी अपने हिसाब से कैसा आप डालते हैं, अभी पीछे का मत देखिएगा, सब बिखरा पड़ा है, जल्दी जल्दी कर रहा है काम। डाल रही हूँ हल्दी बस, और नमक, लाल मिर्च तो बाद में डालूंगी, क्योंकि मेरे घर में लाल मिर्च ना तीखे वाली नहीं होती, सिर्फ कलर वाली होती है। तीखापन पसंद नहीं करते ना, तो तविशी को पसंद है ना विवेक को पसंद है। नमक डाल दिया, और बंद करके इसको चढ़ा दूंगी कुकर में। एक दो सीटी लगेंगी, ऑफ कर दूंगी। डोर मैट्स धोने डाले थे आज, सूख गए हैं, अब इन्हें अंदर लेके जाती हूँ। आज यही सारा काम किया है मैंने, डोर मैट्स धोए हैं, दुनिया भर के कपड़े भी धोए हैं, और ये कवर वगैरह भी धोए हैं। तो जिस दिन मैं डोर मैट्स धोती हूँ ना, उस दिन उसके डोर मैट्स धोने के बाद वॉशिंग मशीन में ना जितने भी कवर वगैरह होते हैं, जैसे चादरें वगैरह कहीं कहीं हम किसी चीज़ के ऊपर डाल के रखते हैं ना, तो उनको धो देती हूँ, उसके बाद पहनने वाले कपड़े धोती हूँ। डोर मैट्स के एकदम डायरेक्ट मैं बाद में नहीं डालती हूँ,
कपड़े पहनने वाले अंदर मशीन में। दाल भी बॉईल हो गई है, बस तड़का लगाना है। जल्दी से अब तड़का लगाती हूँ। तेल अब गर्म हो गया है और इसमें मैं डालने वाली हूँ सबसे पहले मोटी सरसों काले वाली, अच्छी खासी डाल दो। कड़ी पत्ता, प्याज, ये साबुत लाल मिर्च, और ये है अदरक, ये है लहसुन, अदरक नहीं, अदरक मैंने नहीं डाला, आप चाहे तो डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से भून लो। ये वही कच्चे आम की चटनी, इसका ग्रीन कलर आज कम है क्योंकि मैंने पुदीना कम ही डाला है इसमें, थोड़ा कंजूसी से काम कर गई मैं। तो बस यही हमारा डिनर होगा आज, दाल होगी वो कच्चे आम वाली और आम की चटनी होगी साथ में और रोटियां होंगी। दाल तो मेरी बन गई, चटनी भी बन गई, रोटियां बनानी अभी रहती हैं। और अभी टाइम कितना हुआ, अभी तो 7:15 हो रहे हैं, तो बाद में बनाऊंगी। और बाहर से कपड़े उतार लाऊं, डोर मैट्स तो मैंने उठा बाहर से निकाल लिए थे लेकिन कपड़े रह गए थे। वो मेरा फेस देखो कढ़ाई जैसा हो गया है बिल्कुल, खाना बनाते बनाते कढ़ाई के आगे कढ़ाई जैसा फेस, हाल ख़राब है, गर्मी हो रही है कि कपड़ा। और यहीं पे अपने वीडियो का एंड करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए और फिर इसकी एडिटिंग में भी दिक्कत होगी। मैं सोच रही हूँ कि अभी के अभी ना एडिटिंग करने बैठ जाऊँ, रोटियाँ जब इन्हें भूख लगेगी तभी बना लूँगी क्योंकि मेरे घर इतना जल्दी खाना कोई नहीं खाता है, मैं ही खा लेती हूँ। लेकिन आज मुझे भी भूख नहीं है, आज मैंने बहुत पानी पिया है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बहुत प्यास लग रही थी तो भूख भी नहीं लग रही है, और चाय के साथ बिस्किट भी ले लिए तो इसकी वजह से भी मुझे भूख नहीं लग रही है। तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, आज कल लाइक बहुत कम आ रहे हैं और व्यूज़ भी काफ़ी कम आ रहे हैं, इतनी मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ अच्छे से देखिए मेरे व्लॉग्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बस फिर मिलूँगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।